स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, फिर से मैं आप लोग सामने कक्षा दसवीं का विषय गणित का प्रश्न बैंक 2021-22 का संपूर्ण सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, कक्षा दसवीं का जो आपका गणित का पेपर आएगा प्रश्न बैंक से ही अधिकांशतः बनता है, यानी जो भी बाद से परीक्षा पेपर होगा आपका जो होने वाला है फरवरी सेमेस्टर में हो जाएंगे पेपर, तो वो आप लोगों को अधिकांशतः प्रश्न बैंक से ही आएंगे। ठीक, तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जिनका संपूर्ण सॉल्यूशन मैं आप लोगों को उत्तर सहित बताऊंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ ये वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा मैं यहाँ पर आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ, ये आप लोगों के सामने यहाँ पर ब्लू प्रिंट दिया गया है जिसके आधार पर पूरा प्रश्न पत्र बनता है, यानी पूरा प्रश्न बनता जो आपका प्रश्न पत्र आएगा इसी के आधार पर आएगा, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि कितने अध्याय से कितने आना है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूँ, 80 नंबर का जो पूर्णांक आएगा उस समय रहेगा पर 3 घंटे। 3 घंटे में आप लोगों को 80 नंबर का पूरा पेपर हल करना है, जिस प्रकार से आप लोग सामने अध्याय अध्याय दे गए हैं कौन से अध्याय से कितने प्रश्नों में प्रश्न आना है, कितने नंबर का प्रश्न पत्र आएंगे यानी प्रश्न आएंगे, वो कुल यहाँ पर पूरे कुल अंक दिए गए हैं, वो कुल प्रश्न भी दिए गए हैं, तो इसी के आधार पर यहाँ पर पूरा दिया गया है। तो इसके आंसर में आप लोगों को दिखा देता हूँ, जिस प्रकार से सर्वप्रथम आप लोगों के सामने यहाँ पर अध्याय एक वास्तविक संख्या। ठीक, तो इससे कुछ मैं यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि इससे 5 नंबर का आना है इस अध्याय से। तो इसके मैं देख लेते हैं, आप लोग पूरा कंटिन्यू देखते हैं कि क्योंकि मैं आंसर सहित बता रहा हूँ आप लोग। ठीक, जिस प्रकार से पहला आप लोग सामने यहाँ पर लिखा है कि 96 और 404 का HCF होगा, तो इनको हम 96 और 404 का HCF करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोग सामने चौथा, यानी बी नंबर 4 सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरे में लिखा है 12 और 15 का HCF होगा तो कितना होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर बता देता मैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक, इसी प्रकार तीसरा लिखा है 2 संख्याओं का गुणनखंड, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल 32 तथा उनका LCM 8 है तो उनका HCF होगा, तो HCF आप लोग निकालते हैं तो इसका आंसर रहेगा आप लोग सामने यहाँ पर तीसरे का हो जाएगा ए नंबर, यानी 4 आंसर सही हो जाएगा। चौथे में लिखा है 4 और 7 का महत्तम समर्थव यानी होगा, तो महत्तम और समर्थव तो इसका आप लोग बहुत सहल है, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर, तो यहाँ से ऊपर हो जाएगा इसका क्या चौथी का हो जाएगा आप लोग सामने 1 आ जाएगा, यानी ए नंबर सही होगा। पाँचवें की बात करते हैं, पाँच में लिखा है किसी पूर्णांक एम के लिए समपूर्णांक निम्न स्वरूप होता है, जिसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने पाँचवें का हो जाएगा दूसरा, यानी यहाँ पर हमें बता दूँ आप लोग सामने पाँचवें का हो जाएगा सी नंबर, यानी 2 सेंटीमीटर। छठ में लिखा है संख्या 5 और 12 20 के लिए LCM और HCF का अनुपात होगा, तो इसमें हम लोगों को क्या इन दोनों का क्या अनुपात निकालना है, तो अनुपात इसका कितना होगा, तो इसका अनुपात होगा 12:1, तो डी नंबर इसका सही हो जाए। रिक्त स्थानों की बात करते हैं तो रिक्त स्थान में आप लोग पहले में आ जाएगा आपका क्या शीर्षफल, यहाँ पर आप लोगों को शीर्षफल बनना क्योंकि भाज बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शीर्षफल। ठीक, इसी प्रकार से दूसरी में आ जाएगा आपका क्या एक, क्योंकि इन संख्याओं का हम HCF निकालते हैं तो उसका एक आ जाएगा, नहीं इसमें शीर्षफल आ जाएगा इसमें एक आ जाएगा। अगर सत्य असत्य की बात करते हैं तो पहला आपका होगा सत्य और दूसरा भी सत्य होगा। ठीक, अगर मैं और भी अगर चौथी की बात करते हैं तो चौथी में आप लोग जैसे पहले यहाँ पर लगा एक शब्द और एक वाक्य में आंसर, तो जैसे पहले का हम लोग अगर करते हैं तो चौथे का पहले में हो जाएगा आपका क्या पहला हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पर बताऊँ 96 से 1 आ जाएगा इसका। ठीक, ऐसे हम निकालते हैं तो हम लोग सामने यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक, 1.2 के लगभग आ जाएगा। दूसरी की बात करते हैं तो दूसरे में हो जाएगा आपका विषम। ठीक, यहाँ पर विषम हो जाएगा। ठीक, और इनके आंसर की बात करते हैं तो इनके आंसर मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ क्योंकि ये थोड़ा हम लोग करके बताना है। ठीक, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका। अब मैं यहाँ पर ये भी कुछ यहाँ पर पसंद दिए मोस्ट, अब मैं दूसरी पार्ट की बात करता हूँ बहुपद की। ठीक, तो इसको भी आप पूरा देख लीजिए जिस प्रकार से इसके आंसर बता देता हूँ मैं, तो इसके आंसर में आप लोग को आंसर बता देता हूँ। ठीक, बाकी फिर आप लोग कमेंट करके बताना फिर कैसे करना। ठीक, तो आंसर पहले में आपका हो जाएगा ए नंबर, दूसरे में हो जाएगा आपका सी, और तीसरे में हो जाएगा आपका सी, और चौथे में हो जाएगा आपका ए। और पाँचवें की बात करते हैं तो पाँचवें भी आपका बी हो जाएगा। ठीक, और छठवें में हो जाएगा आपका क्या, छठवें हो जाएगा डी नंबर, नहीं 5 आ जाएगा। और सातवें की बात करते हैं तो सातवें में हो जाएगा आपका क्या, सातवें हो जाएगा ए। ठीक, क्या नंबर ए आ जाएगा, नहीं x²-x-12। ठीक, आठवीं की बात करते हैं तो आठवीं में हो जाएगा आपका ए नंबर, नहीं x अक्ष पर। ठीक, रिक्त स्थानों की बात करते हैं तो रिक्त स्थान भी आप लोग जल्दी जल्दी भर लीजिए, जैसे पहले में हो जाएगा आपका क्या -b/a, दूसरे में हो जाएगा आपका बहुपद, दूसरे में लिख देना आपको बहुपद, तीसरे में लिख देना है आपको क्या -4, और चौथे में लिखना 8, और पाँच में हो जाएगा आपके 4/3। इसी प्रकार सत्य असत्य की बात करते हैं तो आपका पहला सत्य होगा, और दूसरा सत्य होगा, और तीसरा भी आपका सत्य होगा, चौथा भी सत्य होगा, और बस इतना ही। ठीक है, ठीक, इसी प्रकार अगर हम इसकी आंसर की बात करते हैं तो पहले में आपका हो जाएगा 1, दूसरे में हो जाएगा 2, तीसरे में 3, और चौथे में 4। तो इस प्रकार से आप लोग 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में मैं अभी तक इतना बता दिया आंसर मैंने। अगर आप लोगों का कमेंट आता है कि सर कक्षा दसवीं का पूरा वीडियो बनाओ
तो मैं इसको अगर आप लोगों को कमेंट करना है तो आप लोग नीचे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में लिंक इसकी इंस्टाग्राम की, वहाँ पर आप लोग फॉलो करके मुझे वहाँ पर कमेंट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो सर कि मुझे संपूर्ण पीडीएफ चाहिए हर सर, तो मैं आपके नंबर व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दूँगा। ठीक, तो आप लोग वहाँ पर फॉलो करके ट्विटर पर फॉलो करके वहाँ पर कमेंट कर देना। ठीक, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।